हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी के लड्डू की रेसिपी। सिर्फ आधा कप सूजी में आज हम प्लेट भर के लड्डू बनाएंगे। बहुत ही कम सामानों से और झटपट से बनने वाले ये लड्डू बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनते हैं, तो इस रक्षाबंधन पे ये रसीले, मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू ज़रूर बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पैन में मैं ले रही हूँ 1/4 कप घी और इसे गर्म होने देते हैं। जब ये गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे हम आधा कप सूजी और गरम होने पर ही डालें घी के। और जब देखिए इस तरह से ये उछलने लगती है सूजी, इतना गरम होना चाहिए। और अब बिल्कुल फ्लेम हमें लो कर देनी है और इस सूजी को हमने बिल्कुल आराम से सेकते जाना है, क्योंकि लड्डू का कलर हमें सफ़ेद ही चाहिए, तो जितना कम हो सके उतना कम कलर आए ये कोशिश हमें करनी है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे देखिए मैंने इसे करीब 6-7 मिनट भुना है और हल्का सा कलर इसका चेंज हुआ है, खुशबू बहुत अच्छी आने लग जाए और ये पता लग जाए कि हाँ सिक गई है ये, क्योंकि 6-7 मिनट बहुत होते हैं सेकने के लिए, तो इतनी आपने इसको सेकनी है। और इसके बाद मैं ये डाल रही हूँ आधा कप मावा। अगर आपके पास है मावा तो डालें, नहीं है तो आप यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मावा डालने से लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल हलवाइयों जैसे लड्डू बनते हैं ये, तो आप मावा ज़रूर डालें। नहीं है तो डाल सकते हैं मिल्क पाउडर, वरना मावे से बहुत टेस्टी बनते हैं लड्डू। और अब इसे भी मिक्स कर लूँगी मैं करीब 2 मिनट के लिए। मैंने इसे भुना है वही लो फ्लेम पर, ज़्यादा नहीं भुनेंगे नहीं तो मावा जलने लग जाएगा, तो बस इतना सा ही हमें भुनना है इसे। और अब डालेंगे हम यहाँ पे 1 कप दूध। आप यहाँ पानी भी डाल सकते हैं लेकिन दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तो यहाँ मैं दूध डाल रही हूँ। अब सिर्फ इस सूजी को हमें हल्का सा फुलाना है, तो हल्की सी फूल जाए बस इतना सा ही मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से दबा दें ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें, जो मावे की गुठलियाँ हैं वो टूट जाएँ, तो हल्का हल्का सा इसे दबा दें। अब यहाँ पर आप जो फ्लेम है उसको मीडियम कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप सूजी थोड़ी फूल चुकी है। अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम 1/3 कप चीनी। जिस कप से हमने सूजी नापी थी उसी कप का तीसरा हिस्सा हमें चीनी लेनी है। और 2 इलायची को मैंने कूट लिया था, उसका पाउडर बना के डाल दिया है। और अब इसे मिक्स करेंगे जब तक कि ये दूध नहीं सूख जाता और जो ये मिक्सचर जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। थोड़ी देर में ही देखेंगे हम ये दूध जो है पूरा सूख जाएगा और ये सूजी जो है वो बिल्कुल फूल जाएगी। ये देखिए दूध पूरा सूख चुका है और जो हमारा मिक्सचर है कितना सॉफ्ट है, अभी से कितना जूसी लग रहा है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं आपस में। तो बस इसे प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा इसे ठंडा होने देंगे पूरा। अब ऊपर से मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है ताकि ये मिक्सचर सूखे नहीं और हाथों पे भी ना चिपके। बस इस तरह से एक जगह इकट्ठा करके थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और आप जिस भी साइज़ के लड्डू बनाना चाहें उतना पोर्शन ले लें और हल्के हाथों से इस तरह से दबा करके लड्डू बना लें। हल्के हाथों से दबाएं और फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह से गोल गोल घुमा करके बढ़िया सा लड्डू बना लें। कोई भी क्रैक्स ना रहें, वैसे तो क्रैक्स नहीं रहेंगे क्योंकि इतनी सॉफ्ट बनी है सूजी, तो कोई क्रैक रहेगा ही नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया लड्डू बनके तैयार है और अभी कितना सुंदर लग रहा है। इसे और सुंदर बनाने के लिए इसके ऊपर ये नारियल का बूरा लपेट देंगे ताकि बिल्कुल हलवाइयों वाला लुक आ जाए। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये लड्डू। एक मैंने पहले बना लिया था, एक और बनाया है, दोनों लड्डू कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेंगे। तो आप देख रहे हैं आधा कप सूजी में कितने सारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कम इंग्रेडिएंट से बने हैं और घर के बने मिठाई की तो बात ही कुछ और है। और हमने जो इसमें मावा डाला है ना, उससे बिल्कुल हलवाइयों वाला टेस्ट आता है। ये देखिए ये लड्डू भी बनके तैयार है और कितना टेस्टी और सुंदर लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो सारे लड्डू बना लिए हैं मैंने और इसे एक प्लेट में अब सर्व कर लेते हैं, इस तरह से सजा लेंगे। तो यहाँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डेकोरेट करूँगी। आप देख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई से अभी खरीद के लेकर आए हैं हम। तो घर पे आप बना सकते हैं, कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत जल्दी बन जाते हैं। आपने देखा कितनी जल्दी बनके तैयार हो गए हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, कम सामानों से बने हैं। तो रक्षाबंधन आ रही है, आप ये लड्डू ज़रूर बनाएं, आपके घर में सभी को पसंद आएंगे क्योंकि हैं ही इतने टेस्टी। तो अब मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर पानी में घोल के लगा रही हूँ ताकि इसे और भी अच्छे लगें और भी सुंदर लगें, क्योंकि जब सामने रखें तो लगे ऐसा लगे कि मार्केट से ही खरीद के लेकर आए हैं। और पिस्ता के थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों से मैं इसे और गार्निश कर देती हूँ तो और भी सुंदर लगेंगे।
देखिए एक लड्डू यहाँ मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको, कितना सॉफ्ट है और कितना रसीला लग रहा है, मुंह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट बना है। बिल्कुल हलवाइयों जैसे बनते हैं लड्डू, तो त्योहारों पे आप इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। तो फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।